सुनाते शिरडी के साई नाथ की, ये साई ज्ञानी श्री है पुण्य कथा शिरडी के साई नाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ रामचंद्र गुप्ता, सह सचिव श्री साई बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम आपको श्री साई ज्ञानी श्री अध्याय 7 श्री साई का ऐश्वर्य की आगे की कथा को बाबा के समक्ष सुनाने जा रहे हैं। और यह कथा हमें यह पाठ करने का आदेश इस धाम के संचालक व परम श्रीमानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार संसार में फैली इस परेशानियों को दूर करने के लिए बाबा की द्वारका माई में यह पाठ साईं को सुनाने का आदेश प्राप्त हुआ है, ताकि बाबा ऐसा चमत्कार दिखाएं जो शिरडी में दिखाया था अपने जीवन काल में, और सभी भक्तों के संकट और कष्ट को दूर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पावन कथा को। जयकारा मेरे शिरडी के साईं नाथ का, बोलिए साचे दरबार की जय। मिट्टी से सने गंदे कपड़े गोदावरी के जल में साफ किए जाते हैं, और जब कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं तो मंजूसा में मतलब बक्से में करीने से रखे जाने की पात्रता ग्रहण कर लेते हैं। गोदावरी के तट पर गोदावरी की जलधारा पाकर स्वच्छ निर्मल होने के बाद कपड़ों को पुनः गोदावरी के जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह वस्त्र जो एक बार गोदावरी के तट पर आ जाता है गोदावरी के जल में अब गाहन कर लेता है। धूल मिट्टी घुलने घुलने पर निर्मल हो जाता है, फिर वह मंजूषा में स्थान पाने की आहारता प्राप्त कर लेता है। मनुष्य वस्त्र है, मनुष्य के 6 विकार वस्त्र का मैल है, और गोदावरी का तट निष्ठा है। गोदावरी की धारा सद्गुरु की कृपा है, मंजूषा मोक्ष है, और सट विकारों से मनुष्य कितना ही मैला क्यों ना हो जाए उसके मन में सद्गुरु के प्रति निष्ठा पैदा होते ही उसे सद्गुरु की कृपा की पावन धारा मिलनी शुरू हो जाती है। पावन धारा उसके सारे विकारों को धोकर उसे पवित्र पावन कर देती है, और उसे मोक्ष के द्वार की मंजूषा तक पहुंचा देती है। हे साईनाथ, आपके पद दर्शन करना गोदावरी में स्नान करने के समान है। एक बार पद दर्शन करते ही व्यक्ति के मनोविकार घुलने लगते हैं और शुद्धिकरण होने लगता है। आप व्यक्ति के मन को पूर्णतः शुद्ध कर पवित्र पावन बनाने में पूर्णतः समर्थ हैं। हे साईनाथ, हम सभी संसारिक प्राणी हैं। संसारिक जीवन यापन के क्रम में अनेक प्रकार के मनोविकार हमें ग्रस्त करते हैं, और उनकी मोटी परत हमारे मन पर चढ़ जाती है। हम सभी प्राणी मनोविकारों के मैल से गंदे हैं, अपवित्र हैं, अतः हम गोदावरी के तट पर आने लायक हैं, और आप अपनी जल धारा से हमारे पापों और दोषों को धोएं एवं हमें पूर्णतः पवित्र करें। हम आपके पद दर्शन करने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, और आपके पद दर्शन करके हम गोदावरी में स्नान करना चाहते हैं। गोदावरी का जल विपुल है, शुद्धिकरण की उसमें पूर्ण क्षमता है। मैं अपने मनोविकारों के मैल इसमें स्नान करके धोना चाहता हूँ, परंतु मेरे मनोविकारों के मैल की गठरी ठसाठस भरी हुई है, यह बहुत ही भारी है। कहीं ऐसा ना हो कि गोदावरी का जल मैल की भारी गठरी को पूर्णतः धो पाने में समर्थ ना हो। अगर ऐसा हुआ तो गोदावरी के पवित्र जल की महिमा घट जाएगी, लेकिन इसमें गोदावरी के पवित्र जल की क्षमता की कमी का क्या दोष? सारा दोष तो मेरी भारी गठरी का है। फिर भी इतना विश्वास अवश्य है कि मेरे मनोविकारों की गठरी चाहे कितनी ही भारी क्यों ना हो, वह गोदावरी के जल में अवश्य ही घुलेगी और पूर्णतः निर्मल होगी, क्योंकि गोदावरी का पवित्र जल स्वयं सद्गुरु श्री साईनाथ हैं।
हे साईनाथ, आप विशाल सघन वृक्ष की शीतल छाया है और हम रास्ते चलते पथिक है। दिन की प्रचंड धूप एवं दोपहरी का भीषण ताप हमें झुलसा रहा है। संसारिक जीवन के पथ पर हम चल रहे हैं, परंतु दैविक एवं भौतिक आदि तीनों महाप्रखर ताप हम पर भरपूर आक्रमण कर रहे हैं। सघन वृक्ष की छाया शीतलता देती है, गर्मी से झुलसता हुआ व्यक्ति ताप से बचने के लिए उसके नीचे बैठता है। हे साईनाथ, त्रिविध तापों को ज्वाला हम दग्ध कर रही है, इससे उबरने के लिए हम आपकी शीतल छाया की शरण में आए हैं। आप हमें अपनी कृपा की शीतल छांव प्रदान करें और त्रिविध तापों की ओर विपदाओं से हमें बचाएं। संसार में आपकी करुणा की ख्याति विख्यात है और आप अपनी करुणा की शीतल छाया हम पर भी फैलाएं। और वह वृक्ष व्यर्थ है जिस वृक्ष में छाया नहीं, वह वृक्ष व्यर्थ है जो भीषण गर्मी में तपते पथिक को राहत नहीं देता, और वह वृक्ष व्यर्थ है जो शरणागत आए व्यक्ति की ताप से रक्षा नहीं कर सकता। भले ही हम उस वृक्ष कहें, परंतु वह छाया तरु कभी नहीं कहला सकता। हे साईनाथ, आप तो छाया तरु हैं, आपकी कृपा एवं करुणा ही शीतल छाया है, अतः आप तीव्र तापों से हमें बचाएं और हमारी और हम सब की रक्षा करें। हे साईनाथ, वेद भी जिसका वर्णन करते करते थक गए, अंत में उन्हें नैति नैति कहना पड़ा। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि ईश्वर का गुणानुवाद इतना ही नहीं है, अभी और भी है और उसे पूर्णतः व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। वही ईश्वर आप हैं, आप चलते फिरते ब्रह्मा हैं और आपके सदृश और कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है। आपने सगुण स्वरूप धारण कर इस धरा पर अवतार लिया है। अक्सर संत महात्मा ईश्वर के रूप में स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया करते हैं, परंतु आपके रूप स्वरूप एवं कार्यों के वर्णन में वे भी थक जाते हैं। संपूर्ण वर्णन वे भी नहीं कर पाते और अपनी असमर्थता के कारण लज्जा एवं संकोच को महसूस करते हैं। देखा आपने साई ने कितनी सुंदर उपदेश स्तवन मंजरी का है ये, और साई गणेश में इसे बताया गया है। बहुत ही अच्छी और पावन कथा है जिसके श्रवण से भक्तों के कष्ट और संकट दूर होते हैं। तो आप भी अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए साई ज्ञानेश्वरी का साप्ताहिक पाठ अवश्य करें। अगर आपके पास दुख नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आप तक साई की इस पावन बुक को पहुंचाने की कोशिश करेंगे एक निर्धारित शुल्क पर। और साथ ही आप एक वृक्ष जरूर लगाएं। जी हाँ, जो भक्त इस कथा को सुन रहा है, अपने आसपास छायादार एक वृक्ष लगाएं अपने पूर्वज के नाम पर। जी हाँ, तो अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं वह दूर हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए सर्वप्रथम इस वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और आप बाबा की द्वारिका माई और साई जीवनमाला के पर्सनल मेंबर्स बन जाइए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके बने रहें साई जीवनमाला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साईं आपका भला करे। श्री साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़, डायरेक्टर कैलाश चंद गुप्ता जी के द्वारा हमने यह आपके समक्ष पेश किया। जो साईं के रंगों में रंग गया उसका जीवन खुशियों से भर गया। साईं आपका भला करे।